उज्जैन में श्रद्धालुओं से झगड़ रहे बदमाशों ने बीच बचाव करने वाले 6 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। श्रद्धालु महाकाल मंदिर जा रहे थे, उनकी कार नलिया बाखाल इलाके में ही रिक्शा से टकरा गई। घटना शुक्रवार रात 11:30 बजे की है। हालात देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ई रिक्शा ड्राइवर अमन बकरी को श्रद्धालुओं से बहस करते देख मौके पर खड़े विशाल प्रजापत और ऋतिक यादव ने रोका। बदमाशों ने सभी पर चाकू से हमला किया। चाकू लगने से घायल अमन पिता राजेश प्रजापति, विशाल पिता सुरेश प्रजापति, राजेश पिता इंद्रलाल प्रजापति, पिंटू पिता मेरूलाल संत, ऋतिक मराठा, गौतम ठाकुर को जिला अस्पताल लाया गया। आरोपी शिकारी गली निवासी अमन बकरी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ 307 में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से रिमांड लेकर सख्ती कार्यवाही की जाएगी। CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखकर बाकी आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। ई रिक्शा वाला था, ई रिक्शा वाले ने क्या करी, गाड़ी यात्री की गाड़ी फोड़ दिया, ठोक दिया उसको। फिर यात्री को बोलता, बोले तेरी गाड़ी फोड़ दूँ, तेरी गाड़ी वाड़ी फोड़ फोड़ा दूँ, चक्कर लगवा दूँ। तो हमने उसको समझाया, समझाने के चक्कर में वो तो हमारे पे भी हो गया था, ये भी हुआ तो उसको चक्कू बोल दिया। दुकान है ना हमारी नजर उखल में चौराहे पर, वहीं चौराहे पर विवाद हुआ और वहीं चौराहे पर हमारी दुकान नहीं थी, वहीं पर हुआ। नाम तो नहीं पता है, बड़ो मोडेन थे उधर, उधर खंडार में रहते उधर। किस चीज़ था? तलवार थी सर, तलवार बाद में लाया था, चाकू उसकी जेब में था, चाकू उसने मारा। अभी कितने लोग घायल हुए? टोटल 5 लोग थे, सबको चाकू लगे। क्या नाम है आपका? अमन प्रजा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखी? महाकाल थाने में। महाकाल थाना क्षेत्र की शिकारी गली नलिया बाखल में एक विवाद हो गया, जिसमें लगभग 5 लोग घायल हुए हैं चाकूबाजी में, और अभी वो हॉस्पिटल आ गए हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और घटना की मुख्य वजह जो आरोपी हैं वो एक बाहर से आए हुए श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो इन लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया। इसी दौरान इनको संबंधित आरोपियों ने चाकू से चोट पहुंचाई है। अभी हमारी टीम मौके पर रवाना हो गई है और CCTV कैमरे की फुटेज देख रही है। जो भी आरोपी होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक समाज से हैं कोई आरोपी? अभी CCTV फुटेज हम लोग देख रहे हैं, जो भी आरोपी होंगे उनको उनको नामजद करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर मौके पे अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कितना बल तैनात किया? अभी कंट्रोल रूम से जो रिजर्व फोर्स है हमारे पास में 20 का, उसको मौके पर तैनात किया गया है। इसके अलावा थाना महाकाल का फोर्स भी वहाँ पर भेजाया गया है, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो रात्रि गश्त में हैं उनको भी मौके पर तैनात किया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य है। सर क्योंकि हिंदू संगठन के लोग भी आ गए, तो क्या समझाइश दी जा रही है, क्या बातचीत हुई? अभी जो भी लोग हैं उन सबको बताया गया है कि अभी हम लोग पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है, और सभी को शांति बनाए रखने और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए रखने की अपील सभी से की जा रही है।